मजरू मुशायरे का मकान मजरू ना होने पाए इसके लिए एक जिम्मेदारी इस वक्त निभानी है और अराकीन कमेटी का हुक्म भी है। अब तक की जो तमाम शायरों का ताल्लुक आप हजरात से करा रहा है, मोहतरम हजरत नदीम फरूक साहब जितने अच्छे नाजिम है उससे कहीं ज्यादा अच्छे शायर भी हैं, तो अगर उनसे इस वक्त उनका कलाम ना सुना गया तो मैं ये समझता हूँ कि मुशायरे के जकार को मजबूर करना है। मैं बहुत ज्यादा तमीजी गुफ्तगु नहीं करूंगा, सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा और हजरत मोहतरम नदीम फरूक साहब को आपके हुजूर पेश कर दूंगा कि मर्तबा मेरी रियासत ने दिलाया है मुझे, मैं बुरे नायाब लोगों एक कंकर से हुआ, आपकी जोरदार तालियां मोहतरम नदीम फरूक साहब। बहुत शुक्रिया जमीन हजरात गिरामी, मैं बस डेढ़ से दो मिनट में मेरा काम तमाम हो गया और अब बेटा आप नहीं बोलेंगे, हाँ फैन है मेरे लेकिन आप मुझे बोलने दो, मैं फैन हो तो मुझे बोलने दो, तो मैं सिर्फ दो तीन चार शेर पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ, इजाजत दे तो मैं दो तीन शेर आपके खिदमत में पेश करूँ, इजाजत है। चार विश्वों के साथ सफर का आकाश करता अगर समानता की है तो सदा भी दे वगरना हर पे गलत की तरह मिटा भी दे, अगर समानता की है तो सदा भी दे वगरना हर पे गलत की तरह मिटा भी दे, तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे, तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। गजल का मतलब तो तीन शेर और पढ़ता हूँ तो समाज के मतलब पेश करता हूँ कि हाथों को कसकोल बनाए बैठे हैं, आपने देखा होगा स्कूलों में मिड डे मील के टाइम पर जो बच्चों का मंजर होता है उससे मैंने मतलब यहाँ से हाथों को कसकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं, अब शेर सुने आप हसी प्याले से धोखा मत खाना वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं, आप हसी प्याले से जिंदाबाद हसी प्याले से धोखा मत खाना वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं, वो सोलों की बारिश करने वाला है, वो सोलों की बारिश करने वाला है, कागज के खोल बनाए बैठे हैं, वो सोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। अब ये शेर सुने बतौर खास जी, उसकी कोशिश टिकने पर मजबूर हो हम, उसकी कोशिश टिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल जिंदाबाद, उसकी कोशिश टिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। हजरात गिरामी, हम जो एक इकाई की तरह थे, पहले हम शेख पठान अंसारी मंसूरी कुरैशी शेख सैयद मुगल पठान पतली बिरादरियों में बटे, उससे भी हमारा काम नहीं चला तो उसके बाद बरेली देवबंदी शिया सुन्नी अहले हदीस और पता नहीं किन किन मसलकों में बट गए, हमारे बटने का सिलसिला यूं ही जारी है। गजल का शेर सुनाता है ये तालिब इल्म, अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। खामोश बैठो, मौलाना खामोश बैठो, ये इतनी सहूलत है कि जनाब नदीम फरूक साहब इतनी आसानी से आपको मैसर है, इस चीज को आप महसूस नहीं कर पा रहे। अगर जी अगर मुशायरे की डाइस के करीब बैठने का मौका मिल जाए तो
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बात में बोलेंगे। बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब बोलना है, कितना बोलना है, कब तक बोलना है और कब नहीं बोलना है, ये सीखना भी बहुत जरूरी है। इंसान का बच्चा 3 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, ये सीखने में उसे पूरी जिंदगी लग जाती है। बहुत खूब। मैं शेर सुना रहा जी, समाप्त करें सुना जी। उसकी कोशिश कितने पर मजबूर हो हम, उसकी कोशिश हम खुद को अनमोल बनाए बैठे, उसकी कोशिश कितने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर दस्तावों तक आ पहुंचा, हमने उसको में झोल बनाए बैठे। बहुत 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 बहुत। दुश्मन आखिर दस्तावों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। ये गजल का मतलब 3 शेर और पढ़ता हूँ और उसके बाद आपकी सहमत प्रताप से आपसे आपकी मुलाकात कराऊंगा, पहले से बता देता हूँ। मतलब पेश करता हूँ कि वो शख्स बा अमल था मगर जिद पाल गया। क्या बात, सुने मतलब सुने, वो शख्स बा अमल था मगर जिद पाल गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, आपकी जिम्मेदारियां पड़ रही है कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। बहुत हो बहुत हो जिंदाबाद। मिट्टी से जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंखों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। जिंदाबाद है सर। और आखिरी शेर, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया।